नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉप द इमेज विद कलर इन फोन, यानी हम अपने फोन पर एक फोटो को एडिट करके इसके रंगों को कैसे बढ़िया बनाते हैं। जैसे कि ये फोटो मैंने अपने एक सफर के दौरान रास्ते में चलते हुए खींची थी और अब इस फोटो को एडिट करके हम कुछ इस तरह का बढ़िया लुक देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है क्योंकि इस फोटो को एडिट करने के लिए हम काफी स्टेप्स करने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखा और वो भी बिना कोई स्टेप मिस किए, आप भी अपने फोन पर इस तरह की फोटो को बहुत बढ़िया ढंग से एडिट करना सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें और आइए जानें। फोटो को एडिट करने के लिए आपके मोबाइल में स्नैपसीड ऐप होनी चाहिए और अगर नहीं है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल का ये ऐप एक प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप है जो iOS एवं एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। इस ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड हुए वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। मैंने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लिया है और हम कहीं पर भी टैप करके अपनी फोटो गैलरी में से जिस फोटो को एडिट करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम इस फोटो को एडिट करने जा रहे हैं, ये देखिए हमारी फोटो ओपन हो गई है और राइट साइड में आपको ये कुछ रेडीमेड प्रीसेट्स दिखाई देंगे जिनको यूज करके आप जल्दी से फोटो को एक नया लुक दे सकते हैं। लेकिन हम इन प्रीसेट्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम फोटो को मैनुअली एडिट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इस पेंसिल आइकन पर टैप करेंगे। अब आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे जिसमें हम सबसे पहले टॉप राइट पर ये जो वाइट बैलेंस टूल है इस पर क्लिक करेंगे। एक फोटो में सही वाइट बैलेंस का होना बहुत जरूरी है और इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नीचे देखिए आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, कलर पिकर, एडजस्ट और ऑटो। मैं एडजस्ट पर टैप करूंगा ताकि व्हाइट बैलेंस को मैं अपनी फोटो लुक के हिसाब से सेट कर सकूं। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पहला फोटो का टेम्परेचर सेट करने के लिए और दूसरा है फोटो में टिंट देने के लिए। टेम्परेचर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अपनी उंगली को राइट साइड स्वाइप करेंगे तो फोटो का लुक वार्म होगा और अगर लेफ्ट साइड को स्वाइप करेंगे तो फोटो में कूल लुक आएगा। क्योंकि इस फोटो में बादल छाए हुए हैं इसलिए मैं इस फोटो का टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर रहा हूँ ताकि फोटो थोड़ी कूल दिखे। फिलहाल मैंने टेम्परेचर को -37 पर सेट कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में भी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोबारा हम एडजस्ट पर टैप करेंगे और अपनी उंगली को ऊपर की तरफ स्वाइप करके हम टिंट को सिलेक्ट कर लेंगे। टिंट को मैं -6 पर सेट कर रहा हूँ ताकि फोटो में जो हरे पेड़ हैं उनमें थोड़ा ग्रीन टिंट आ जाए और फिर नीचे इस टिक के निशान पर टैप करेंगे। अब हम पेंसिल आइकन पर दोबारा टैप करेंगे और फिर ट्यून इमेज पर टैप करेंगे। नीचे हम एडजस्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें अब आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम अपनी फिंगर से ऊपर या नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे। सबसे पहले ऊपर जो आसमान में बादल है उनकी डिटेल्स को थोड़ा और दिखाने के लिए हम हाइलाइट्स को सिलेक्ट करेंगे। हाइलाइट्स को मैं अभी -48 पर रख रहा हूँ और अगर आप आसमान में बादलों को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनमें काफी डिटेल्स दिखाई दे रही होगी। लेकिन इसके साथ ही नीचे फोटो में जो व्हाइट कलर के घर हैं वो भी थोड़े डल हो गए हैं जिनको हम बाद में ठीक करेंगे। एक बार फिर नीचे एडजस्ट पर टैप करके मैं कंट्रास्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब इस फोटो में कंट्रास्ट को बढ़ाऊंगा। कंट्रास्ट को बढ़ाने के बाद अब हम शेडो को बढ़ाएंगे। जैसा कि इस फोटो में बादलों की छाया नीचे पहाड़ों पर पड़ रही है तो हम शेडो एरिया को थोड़ा डार्क करेंगे, जिसके लिए मैं शेडो की वैल्यू को -9 पर रख रहा हूँ। अब हम इस फोटो में सैचुरेशन को बढ़ाएंगे ताकि फोटो में रंग थोड़ा उभर कर आए। मैंने सैचुरेशन को +30 पर सेट किया है और फिर नीचे इस टिक के निशान पर टैप करेंगे। ये जो पीछे पहाड़ी दिख रही है हम इसको थोड़ा डार्क करेंगे ताकि आगे जो पहाड़ी पर घर बने हैं वो और उभर कर आए और पीछे वाली पहाड़ी से थोड़ा अलग दिखे। दोस्तों
एक बार फिर हम पेंसिल पर क्लिक करके इस ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश टूल में अब आपको नीचे ये चार ऑप्शन दिखाई देंगे और इनमें से मैं एक्सपोजर ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। चलिए अब एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं और इसके बाद फोटो को अपने मोबाइल पर हम थोड़ा जूम करेंगे ताकि हम आसानी से ब्रश चला सकें। जिस पहाड़ी को डार्क करना है उसे हम पैन करके अपने सामने ले आते हैं। दोस्तों अब हमारी फिंगर एक ब्रश की तरह काम करेगी और जिस एरिया को डार्क करना है उस जगह पर हम अपनी फिंगर से ब्रश चलाना शुरू कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, वरना आप पूरी तरह से ये फोटो एडिट का प्रोसेस सीख नहीं पाएंगे। मैंने इस पहाड़ी को डार्क कर दिया है और अब इस फोटो को छोटा करते हैं। ये देखिए आगे पहाड़ी पर बने घर पीछे वाली पहाड़ी से अब अलग नजर आ रहे हैं। चलिए अब मैं इस टिक पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इस फोटो में हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम पेंसिल पर क्लिक करके कर्व्स टूल पर क्लिक करेंगे। कर्व्स टूल में ये जो ऊपर दाईं ओर का हिस्सा है ये हाइलाइट्स को कंट्रोल करता है और सेंटर में हम फोटो की मिड टोन्स को कंट्रोल करते हैं और नीचे लेफ्ट साइड में शेडो एरिया को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम टिक के निशान पर क्लिक करेंगे। अब हम घरों की डिटेल्स को बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पेंसिल पर टैप करने के बाद डिटेल्स टूल पर टैप करेंगे। अब नीचे एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है शार्पनिंग। हम स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे और अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस फोटो की डिटेल्स बढ़ रही है। स्ट्रक्चर से डिटेल्स बढ़ाने के बाद नीचे एडजस्ट पर टैप करके अब मैं शार्पनिंग को सिलेक्ट करूंगा और फिर इस फोटो की शार्पनेस को थोड़ा बढ़ाऊंगा। फिलहाल जितनी शार्पनेस मेरे को ठीक लगी मैंने उस पर सेट कर दिया है और अब मैं इस टिक पर क्लिक करूंगा। स्ट्रक्चर और शार्पनेस बढ़ाने से सारी फोटो में डिटेल्स बहुत बढ़ गई है जो कि अच्छी नहीं दिख रही है। हमें तो सिर्फ घरों को पॉपअप करना है, इसलिए हम घरों वाले एरिया को मास्क करेंगे ताकि सिर्फ घर शार्प दिखें। तो आइए देखें अब हम घरों को कैसे मास्क करते हैं। इसके लिए हम ऊपर स्टैक एडिट पर टैप करेंगे और फिर ड्रॉपडाउन लिस्ट में से व्यू एडिट्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी टूल्स यूज किए हैं वो अब आपको यहाँ दिखाई देंगे। इनमें से हम डिटेल्स पर टैप करके इस ब्रश आइकन पर क्लिक करेंगे। नीचे राइट साइड में मैं मास्क पर क्लिक करूंगा ताकि जब मैं ब्रश चलाऊं तो मुझे दिखता रहे कि मैं सही जगह ब्रश चला रहा हूँ। डिटेल्स की वैल्यू तो हम 100 ही रहने देंगे। अब इस फोटो को थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि मैं सिर्फ घरों पर अपनी फिंगर से ब्रश चलाकर शार्पनेस का मास्क बना सकूं। मैं जहां जहां ब्रश चला रहा हूं वहां अब आपको लाल रंग का मास्क बनता दिखाई देगा। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा समय ना लें। दोस्तों जिन घरों को पॉपअप करना था मैंने उन पर मास्क बना दिया है और अब नीचे मास्क को ऑफ करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। इस प्रकार हमने सिर्फ घरों को शार्प किया है ताकि वो ज्यादा उभर कर आए। अब इस टिक पर टैप कर देंगे ताकि हमारा मास्क इस फोटो पर अप्लाई हो जाए। ये ऊपर लेफ्ट साइड में जो बैक एरो का निशान है मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ताकि हम इस फोटो में आगे और काम कर सकें। दोस्तों अभी तक हमने इस फोटो में काफी काम कर दिया है, बस कुछ और स्टेप्स बाकी हैं। अब हम घरों के रंगों को बढ़िया बनाने जा रहे हैं, पर इसके लिए मैं पेंसिल टूल पर टैप करके सेलेक्टिव टूल पर क्लिक करूंगा। अभी हम इस लाल रंग की छत को एडिट करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं इस पर टैप करूंगा तो यहां मुझे एक सेलेक्टिव पॉइंट मिल गया। सेलेक्टिव पॉइंट को थोड़ा दबाकर अगर आप आसपास उंगली घुमाएंगे तो आपको एक बड़े साइज का सर्कल दिखाई देगा और इसके सेंटर में एक लाल रंग का प्लस का निशान दिखाई देगा। हमें जिस कलर को सिलेक्ट करना है हम उस जगह पर इस प्लस के निशान को रख देंगे। सिलेक्टिव पॉइंट को थोड़ा दबाकर रखने पर ऊपर की तरफ स्वाइप करने पर हमें कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम सबसे पहले ब्राइटनेस को कम करेंगे ताकि छतों का रंग थोड़ा डार्क हो जाए। अब हम कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे और इसके बाद हम सैचुरेशन को भी बढ़ाएंगे।
थोड़ी डिटेल्स बढ़ाने के लिए हम स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब हम इस सिलेक्टिव पॉइंट को अलग अलग रंग पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम सिलेक्टिव पॉइंट पर टैप करके इस कॉपी के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जिस रंग को हम बढ़िया बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये हरे रंग की छत है, इस पर मैं टैप कर रहा हूँ और देखिए ये ऊपर पेस्ट का निशान दिख रहा है। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ एक और सिलेक्टिव पॉइंट मिल गया है। मैं एक बार फिर चेक करूंगा कि हमारा प्लस का निशान सही जगह पर है। इस फोटो में जहां पर भी ये रंग होगा वहां पर ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अब हम इस पीले घर पर एक सिलेक्टिव पॉइंट लगाएंगे। यहां पर हम ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सेचुरेशन को भी और बढ़ा देते हैं ताकि रंग थोड़ा चटक हो जाए। इसके बाद अब इस सफेद घर पर एक सिलेक्टिव पॉइंट को पेस्ट करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा डल हो गया है। इसके लिए मुझे इस पॉइंट की ब्राइटनेस को और बढ़ाना पड़ेगा और सेचुरेशन को कम करना पड़ेगा। इसके बाद हम नीचे टिक पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप किसी भी रंग पर सिलेक्टिव पॉइंट लगाकर उसे बढ़िया बना सकते हैं। अब इस फोटो को हम थोड़ा डार्क करेंगे ताकि पहाड़ वाले घर और खिलकर आए। इसके लिए हम पेंसिल पर टैप कर रहे हैं। इसके बाद कर्व्स टूल पर क्लिक करेंगे। हाइलाइट्स वाले पॉइंट को हम थोड़ा नीचे लाएंगे ताकि हमारी फोटो थोड़ी डार्क हो जाए, और शेडो पॉइंट को भी थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब हम नीचे टिक आइकन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से हमारी पूरी फोटो डार्क हो गई है। और अब हम घरों को पॉप करने के लिए एक बार फिर मास्क बनाएंगे। इसके लिए ऊपर स्टैक एडिट आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर व्यू एडिट्स पर क्लिक करेंगे। नीचे लिस्ट में से हम कर्व्स को सिलेक्ट करके इसमें ब्रश आइकन पर क्लिक करेंगे। नीचे लेफ्ट साइड में जो इन्वर्ट का आइकन है उस पर क्लिक करके हम मास्क को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जिस एरिया को हमें डार्क नहीं दिखाना है वहां पर हम ब्रश चलाना शुरू कर देंगे। जैसे कि मुझे इन घरों को डार्क नहीं दिखाना है तो मैं इन पर ब्रश चला रहा हूँ। मैं इस ब्रश पेंट प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ। हमारा मास्क कंप्लीट हो गया है। अब नीचे मास्क को ऑफ कर देंगे ताकि हमारा डार्क किया हुआ पार्ट दिखाई दे। इसके बाद हम टिक के आइकन पर टैप करेंगे। दोस्तों, हमारी फोटो एडिटिंग यहाँ पूरी हो गई है, लेकिन अब इस फोटो के व्हाइट बैलेंस को हमें थोड़ा ठीक करना है। मैंने इसे जानबूझकर शुरुआत में टेम्परेचर को थोड़ा ज्यादा कूल कर दिया था ताकि आपको ये समझा सकूं अगर हम अपनी एडिटिंग की सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ कर जाएं तो उसे हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। व्हाइट बैलेंस की सेटिंग को सही करने के लिए हम इस व्हाइट बैलेंस लेयर पर टैप करेंगे। इसके बाद हम ये एडजस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे एडजस्ट ऑप्शन पर टैप करके हम टेम्परेचर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी -37 पर वैल्यू सेट है तो मैं इसे अब -18 पर लेके जा रहा हूँ। ऐसा करने से फोटो का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब हम टिक पर क्लिक करके इस फोटो एडिटिंग का बिफोर और आफ्टर रिजल्ट देख लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे ऊपर जो मैंने सबसे आखिर में टूल यूज किया है उसकी लेयर है उस पर क्लिक करूंगा और फिर नीचे ओरिजिनल लेयर पर क्लिक करूंगा। तो देखिए एडिटिंग से हमने इस फोटो को कितना बढ़िया बना दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, अब इस एडिटेड फोटो को सेव करने का तरीका भी देख लेते हैं। एडिटेड फोटो को सेव करने के लिए हम इस बैक एरो पर टैप करेंगे, फिर इस मेन स्क्रीन पर एक्सपोर्ट आइकन पर टैप करेंगे और फिर दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करके हम फोटो को सेव करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फोटो एडिटिंग और कलर थीम सब हमारी पसंद पर निर्भर करता है कि हम फोटो एडिट करने के बाद कैसी देखना चाहते हैं, और इसी के हिसाब से हम सब टूल्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।